इंदौर शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि चोरी की घटना कहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो जाए, इसके लिए डीवीआर और हार्ड डिस्क तक साथ ले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां शातिर चोरों ने चोरी को अंजाम देने के बाद डीवीआर भी चोरी कर लिया। घटना इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां रहने वाले सविंदर सिंह सलूजा अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी कटरा दर्शन करने गए थे। जब वहां से लौटे तो देखा कि घर में चोरी की घटना हो चुकी है। पुलिस के अनुसार चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाते हुए सोने की लक्ष्मी जी की मूर्ति, चांदी के गिलास, कटोरी चम्मच के साथ ही नगद कुछ हजार और विदेशी मुद्रा पर हाथ साफ किया है। ये मकान नंबर 36 विष्णुपुरी में वीरेंद्र सलूजा जी ये कहीं बाहर गए थे वैष्णो देवी वगैरह, उसी दौरान इनके घर में बदमाश कहीं छत के ऊपर से आके दरवाजे की कुंडी तोड़ के अंदर प्रवेश कर गए। उसमें से कुछ छोटा मोटा सामान ले गए, जैसे चांदी के गिलास है, कुछ चांदी के सिक्के थे, ऐसा आइटम ले गए हैं। सर, कुछ विदेशी डॉलर भी गायब हुए हैं यहाँ से? हाँ, अभी उनसे मैं आया हूँ तो पता कर रहा हूँ क्या क्या गया क्या नहीं गया। सर, लगभग कितने का माल चोर ले उड़े हैं, और सीसीटीवी फुटेज में अभी तक क्या सामने आया है? वो फुटेज में हार्ड डिस्क पहले उनने तोड़ के ले गए, कैमरे वैमरे घुमा दिए, और घर में कोई भी नहीं था, घर सूना था। ये दो तीन दिन बाद आए तो इनने देखा कि घर में चोरी हो चुकी है। तो सर, लगभग परिजनों से पूछताछ में क्या सामने आया, कितने का माल? अभी मैं पता लगा रहा हूँ, पूरी जांच चल रही, कितने का गया है, लगभग 50-60 हज़ार का बता रहे हैं। गौर करने वाली बात यह रही कि चोर इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं कि उन्होंने सबूत ना छोड़ते हुए इस घटना के पहले सीसीटीवी को मोड़ दिया था ताकि पहचान ना हो सके। वहीं बाद में घर में लगे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क और डीवीआर चुरा कर ले गए। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।